हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको उपमा बनाना बताऊंगी। ये काफ़ी इजी है और काफ़ी हेल्दी है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसे आप सॉस के साथ आप खाइए, काफ़ी टेस्टी लगेगा। या नारियल के चटनी के साथ यूज़ कीजिए, बहुत टेस्टी है। ये हेल्दी भी है, आप टिफिन में भी लेकर जा सकते हैं। उपमा बनाने के लिए हमने एक कटोरी रवा लिया है और इसे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है बिना ऑयल का। इसे मैंने हल्का सा भून लिया ताकि इसका कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए। ये मैंने दो टमाटर लिया है, इसे बारीक मैंने कट किया। एक चम्मच हमने चना दाल लिया है, आधी चम्मच उड़द दाल है, ये कुछ करी लीव्स है। इसमें मैंने अदरक ग्रेट करके लिया है और हरी मिर्च कट कर लिया है, एक हरी मिर्च है और एक इंच अदरक का टुकड़ा। ये हमने गाजर कट करके लिया है, बारीक चॉप किया हमने। और ये कॉर्न है जिसे मैंने बॉईल करके रखा है, बॉईल किया हुआ। ये मटर है, इसे भी हमने ब्लांच करके रखा है। ये एक प्याज है जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। और ये ऑयल है, इधर मैंने कढ़ाई गरम होने रख दिया, कढ़ाई गरम हो गया है और इसमें मैंने दो चम्मच ऑयल डाला है। अब मैं इसमें चना दाल डालूंगी, इसके हल्का सा भून लूंगी और इसमें मैं ये उड़द दाल डालूंगी, इसे भी भून लेती हूँ। ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का फ्राई करना है इसे। ये भून गया, अब मैं इसमें ये प्याज डालूंगी। प्याज भून गया, अब इसमें मैं मिर्ची और अदरक डालती हूँ, इसे भी थोड़ा भून लेती हूँ। और मैं इसमें करी लीव्स और ये टोमेटो डालती हूँ, इसे सॉफ्ट होने तक भूनूंगी। ये टोमेटो भून गया, अब मैं इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालूंगी, जितना नमक चाहिए। ये पानी हमने गर्म पानी रखा है और इसे मिक्स कर लेती हूँ। टोमेटो भून गया, काफ़ी अच्छा से भून गया ये। अब मैं इसमें ये कॉर्न डालूंगी, ये गाजर, ये मटर, इन सबको मिक्स कर लेती हूँ। काफ़ी कलरफुल दिख रहा है ये। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। पानी आपने जितना रवा लिया है उसका डबल आप पानी लीजिए, यानी एक कटोरी आपने रवा लिया है तो दो कटोरी पानी लीजिए, और वो भी हमने गर्म पानी लिया है। और ये रवा पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि कितना पानी और लगेगा, इसके लिए मैंने दो लिया है। अगर और लगता है तो थोड़ा और बाद में ऐड कर दीजिए। ये भून गया, अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी जो हमने पानी गर्म करके रखा था। और इसे एक बॉईल आने दूंगी, इसे ढक देती हूँ, मिक्स करके मैंने ढक देती हूँ। इसे ढकने के बाद
इसे एक बॉईल आने दूंगी। जब एक बॉईल आ जाएगा तो मैं इसमें रवा ऐड करूंगी। इसे बॉईल हो गया, काफी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब मैं इसमें ये भुना हुआ रवा ऐड करूंगी और इसे जल्दी जल्दी चला लूंगी थोड़ा। और देखिए काफी पानी एब्जॉर्ब कर लिया ये, और इसे मीडियम फ्लेम पे रखूंगी और दो मिनट के लिए इसका ढक्कन बंद कर देती हूँ। 2 मिनट के बाद मैं इसे हटाऊंगी, इसकी ढक्कन हटाती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं और ये देखिए काफी अच्छा उपमा तैयार हो गया। इसमें आप चाहे तो रेड चिली पाउडर भी यूज कर सकते हैं, हमने यूज नहीं किया है। अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप रेड चिली डालिए, और हमने ग्रीन चिली का ही यूज किया है। फ्रेंड्स ये काफी अच्छा बन गया। अब इसे इसकी मैं प्लेटिंग करती हूँ।